please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के गाजियाबाद में लापता 12वीं के छात्र का शव बरामद किया गया। यूपी के मथुरा में मंत्री के रिश्तेदार की हत्या के आरोपी बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ा गया। यूपी के बरेली में पुलिस ने 15,000 के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के आजमगढ़ में करनी सेना ने फिल्म पद्मावत के विरोध में पुतला फूंका। अलीगढ़ में पुलिस फायरिंग में मारे गए लड़के के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई। यूपी के कौशाम्बी में दो गुटों में हुई गोलीबारी में 7 लोग घायल हो गए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से किन्नर अखाड़े ने मान्यता देने की मांग की। अलीगढ़ में धर्म समाज महाविद्यालय ने कॉलेज परिसर में मोबाइल फोन लाने पर रोक लगाई। यूपी के फतेहपुर में गांव से निकाले जाने के विरोध में एक परिवार ने प्रदर्शन किया। यूपी के रामपुर में बाइक की मांग पूरी ना होने पर पति ने पत्नी को पीटकर 3 तलाक दे दिया। कानपुर में पुलिस ने छापा मारकर 80 करोड़ के पुराने नोटों के साथ 6 लोगों को पकड़ा। कानपुर में घरवालों की दाद से नाराज लड़के ने पिता की बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। यूपी के अयोध्या में मौनी अमावस्या पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने सरयू में डुबकी लगाई। उत्तराखंड के रुड़की में जमीन के बदले कम मुआवजे से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। हरिद्वार में फैक्ट्री से काम कर लौट रहे एक आदमी को हाथी ने कुचल कर मार डाला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 आईएएस समेत 102 अधिकारियों के तबादले कर दिए। हिमाचल के में स्थायी नौकरी की मांग करते हुए करीब 75,000 कर्मचारी कल हड़ताल पर होंगे। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के सांबा सेक्टर में आतंकी देखे जाने पर तलाशी अभियान जारी है। सेनाध्यक्ष ने केमिकल हथियार आतंकियों के हाथ में जाने का खतरा जताया है। द थ्रेट ऑफ द बायोलॉजिकल केमिकल एंड आई डेयर से न्यूक्लियर वेपन्स फॉलिंग इन द हैंड ऑफ टेररिस्ट वुड स्पेल डिजास्टर फॉर ह्यूमैनिटी। आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल मेस में मांसाहारी छात्रों को अलग थाली में खाने का आदेश दिया गया। गुजरात के सूरत में कपड़ा मिल में लगी आग से लाखों का नुकसान हो गया। गुजरात के सूरत में अवैध रूप से लजाए जा रहे 160 कछुए बरामद किए गए। दिल्ली एनसीआर में 8 डिग्री तापमान के साथ सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली के मौसम की अद्भुत तस्वीर देखने को दिल्ली में मिल रही है, जहां कल 16 जनवरी सबसे गर्म दिन रहा पिछले 5 सालों का, वहीं आज दिल्ली में 2 हफ्तों के बाद कोहरे की चादर भी देखने को मिल रही है। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 13 ट्रेनें रद्द हुई और 25 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली के महरौली में कार और ट्रक की टक्कर से 20 साल के लड़के की मौत हो गई। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर प्रदूषण नियंत्रण में 1250 करोड़ रुपए खर्च न करने का आरोप लगाया। दिल्ली के पीरागढ़ी में जूते चप्पल की फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दिल्ली के द्वारका में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज होने पर दामाद ने ससुर की हत्या कर दी। दिल्ली के करावल नगर में छड़खानी और पॉक्सो के आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हरियाणा की रोहतक कोर्ट में आज हत्या और धोखाधड़ी के मामले में रामपाल की पेशी होगी। अमेरिका में एक फायर फाइटर ने इमारत में आग में फंसे बच्चे को बचाया। हाँ, पंचायत के प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट को उनके रिवाज की जानकारी नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी में ओवरलोडेड ट्रक ने नाकाबंदी तोड़कर तैनात अधिकारी को कुचल दिया। हरियाणा के सोनीपत में नाबालिग के रेप का आरोपी पड़ोसी में रहने वाले लड़के पर लगा। हरियाणा के गोहाना में एक किसान को बिजली विभाग ने 76 लाख रुपए का बिल भेजा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में फिल्म पद्मावती के विरोध में करनी सेना आज प्रदर्शन करेगी। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिसकर्मी के खिलाफ दुकानदारों ने प्रदर्शन किया।
झारखंड के धनबाद में कांग्रेस ने एक महिला की भूख से मौत होने का आरोप लगाया। झारखंड में सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री रोड शो से इसी सड़क से गुजरेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये रोड शो शुरू होगा और गांधी आश्रम का जो 60 किलोमीटर का पैच है वहां पर ये रोड शो होगा। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात जा रहे बेंजामिन नेतन्याहू रोड शो करते हुए साबरमती आश्रम जाएंगे। आज लालू प्रसाद यादव के दामाद राहुल यादव से ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। इसरो के 100वें उपग्रह से भेजी गई पहली तस्वीर में इंदौर का होलकर स्टेडियम नजर आया। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में की गई फायरिंग में सेना के एक अधिकारी घायल हो गए। केंद्र सरकार ने सेना के लिए 72,000 असॉल्ट राइफल और 74,000 कारबाइन की मंजूरी दी। आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन जोधपुर में सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुताबिक आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ कोई मामला दर्ज ही नहीं। पाकिस्तानी फिल्म अभिनेत्री सबा कमर ने आतंकी हाफिज सईद के आजाद घूमने पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश में निकाय उपचुनावों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। भोपाल के कस्तूरबा अस्पताल में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार हुआ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने कचरा बीनने वाली दिव्यांग को समाज में सम्मान दिलाने की पहल की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत और इजराइल मुसलमानों के विरोधी हैं। पाकिस्तान के 1800 से ज्यादा मौलवियों ने आत्मघाती बम हमलों के खिलाफ फतवा जारी किया। पाकिस्तान सरकार भारत से डीजीएमओ स्तर की बातचीत का प्रस्ताव भेजने पर विचार कर रही है। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली राशि रोकने की मांग की। मध्य प्रदेश के मुरैना में सपना चौधरी के शो में टिकट न मिलने से नाराज लोगों ने पत्थरबाजी की। तमिलनाडु के होसूर में कुएं में गिरे हाथी के बच्चे को बाहर निकाला गया। बिहार के कटिहार में मोबाइल शोरूम में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बिहार के दरभंगा में पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षा देने आए छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रेप और हत्या के आरोपी का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के छपरा दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवाद के बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बातचीत शुरू हो गई है। शिवसेना ने सामना में सरकार को पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर लगाम लगाने की सलाह दी। फिल्म अभिनेता कमल हासन 21 फरवरी को अपनी राजनीतिक पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीएफसी के चेयरपर्सन प्रसून जोशी को अवमानना का नोटिस भेजा। अमेरिका के मॉन्टपेलियर में स्कूल के पास लूट की कोशिश करने वाले संदिग्ध को गोली मार दी। पुलिस में रूस में एक आदमी के बालकनी से फेंके गए गर्म पानी के जम जाने वाले वीडियो वायरल हुआ।